हेलो व्यूअर्स, पिछले क्लास में मैं आपको पोलैरिटी इन डीसीआर कोडिंग के बारे में बताया था। आज जो क्लास है उसमें हम यूजेस ऑफ पोलैरिटी इन आर कोडिंग सिस्टम, जो पोलैरिटी सिस्टम कैसे इस्तेमाल होता है उसी के बारे में हम आपको बताएं। पहले क्लास में जाने थे जो दो पोलैरिटी है हम लोगों का, जो होता है डीसीईएन और DCEP, मतलब ये होता है नेगेटिव पोल में लगेगा इलेक्ट्रोड, ये जो है पॉजिटिव पोल में लगेगा इलेक्ट्रोड। इसको हम बताए थे, मतलब यहाँ ज़्यादा हीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, 70% होगा, और यहाँ जो है 30% हीट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हम जो यही जो अनइवन हीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसको हम कैसा इस्तेमाल करते हैं? अनइवन हीट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? अनइवन हीट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि ये देखो दो हिस्सा हो गया, जो केबल हो गया, ये 30% हीट दे रहा है, ये 70% हीट दे रहा है, मतलब डिफरेंट अमाउंट का हीट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। तो आपके हिसाब से ये अनइवन हीट प्रोड्यूस हो रहा है। ये भी एक क्वेश्चन आता है आपको, ड्यू टू डेस सिस्टम द मशीन इज प्रोड्यूस द डिफरेंट टाइप ऑफ हीट्स। आप यहाँ जब क्वेश्चन आपको मिलेगा आप बोलेंगे कि पोलैरिटी सिस्टम होता है। अच्छा। ये आपको बहुत जरूरी है, जितना जो आईटी बच्चे हैं, जो फिटर हैं और ओल्डर हैं, उससे रिलेटेड ये सवाल क्वेश्चन बहुत से आते हैं उन लोगों का। अच्छा, तो मैं सब बता रहा हूँ अभी। दूसरा में ये DCEN हुआ, DCEN में क्या हो गया ना, जो मशीन है आपका, मैं और एक बार दोहरा देता हूँ, जो मशीन है वो मशीन का एक हिस्सा, जो इलेक्ट्रोड का हिस्सा है वो नेगेटिव में लगेगा, और एक हिस्सा जो पॉजिटिव में लगेगा वो हो गया DCEN हो गया, वही एम सोर्स हो गया, पावर सोर्स हो गया DC। फिर और एक में बनाता हूँ ड्राइंग, ये भी हो गया वही DC पावर सोर्स, तो ये आपको बता दिया कि DCEN मतलब स्ट्रेट पोलैरिटी। पिछले क्लास में सर बताए थे आप कि DCEM जो होता है ये स्ट्रेट पोलैरिटी होता है। स्ट्रेट पोलैरिटी, ये देखो ये जो स्ट्रेट पोलैरिटी होता है इसका फिगर मैं यहाँ बनाया, फिर दूसरी बार इसका फिगर मैं भी यहाँ बनाया, ये रिवर्स पोलैरिटी का, रिवर्स पोलैरिटी का जो कल आप बताए थे। ठीक, तो मतलब ये हो गया क्या, थोड़ा कल का भी समझा दे रहे तो सब पूरा जानकारी आ जाएगा। हाँ, ये हो गया आपका वर्क पीस, WP लिख रहा हूँ, ये हो गया आपका इलेक्ट्रोड का जो हिस्सा है, ये हो गया आपका रिवर्स पोलैरिटी। सर ये सब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आता है क्या? आता है, ओल्डर का जहाँ भी, फिटर का जहाँ भी, जब आता है ना। अच्छा, तो इसके रिलेटेड ही आता है। ये जो इलेक्ट्रिशियन बच्चे भी जान सके। अच्छा, तो दो पोलैरिटी सिस्टम हो गया, एक स्टेट और रिवर्स पोलैरिटी। जी, मैं अभी आपको समझाना जा रहा हूँ कि स्टेट पोलैरिटी का सिस्टम हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो इसलिए टॉपिक जो है यूज ऑफ पोलैरिटी, टॉपिक लिए हैं इन यूज ऑफ पोलैरिटी इन आर्क कोडिंग, स्टेट पोलैरिटी। स्टेट पोलैरिटी ये कहाँ यूज होता है, कहाँ यूज होता है, मैं बोल दिया हूँ इलेक्ट्रोड हमारा माइनस में रहेगा, मतलब इलेक्ट्रोड आपका ये नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव पोलैरिटी में लगेगा, नेगेटिव हिस्से में लगेगा। अच्छा, तो स्टेट पोलैरिटी कहाँ है हमको पता है कि स्टेट पोलैरिटी मतलब ये 30% हीट आपको इलेक्ट्रोड में मिल रहा है। अच्छा। और जो पॉजिटिव है वो कितना है, 70% में ले रहा है। हाँ, मतलब जहाँ इलेक्ट्रोड में 70% हीट आ रहा है तभी आर्क केबल, मतलब जो वर्कपीस में लग रहा है 70%। अच्छा, तो कहाँ कहाँ लग रहा है हमको अभी देखेंगे इसका इस्तेमाल, मतलब ये कम इलेक्ट्रोड में कम हीट आ रहा है। अच्छा, इसको यूज़ कैसे किया जाता है, जब बेयर होया इलेक्ट्रोड होता है, मतलब बेयर मतलब जो इलेक्ट्रोड में कोई फ्लक्स नहीं रहता है, बेयर होया जहाँ बेयर और इलेक्ट्रोड यूज होता है, मतलब हमारा जो ओल्डर बच्चे जो है वो जान सकेंगे GNAW
गैस मेटल आर कोल्डिंग प्रोसेस में जो ये GMAW का फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म गैस मेटल आर कोल्डिंग, आर कोल्डिंग गैस मेटल आर आर्क वेल्डिंग, बस GMAW है। और भी है जो जहां हिस्सा बेयर होया लगता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं जो ज्यादा भी बोलने से आपको टाइम भी कम है ना, हाँ, हाँ। तो GMAW एक एग्जांपल में दे रहा हूं जहां बेयर होया लिप्रोड इस्तेमाल होता है। उसके बाद मैं पहले से बोल चुका हूं लाइट मीडियम इलेक्ट्रोड जहां आपको जो भी मिलता है होल्डिंग करने के लिए, तो भी हम क्या करेंगे पोलाइट सिस्टम स्टेट पोलाइट ही यूज करेंगे, यूज करें। थर्ड ऑप्शन जो भी आपको थिकर सेक्शन कभी कहीं होल्डिंग करने के लिए मिलता है, प्रैक्टिकल जो आता है थिकर सेक्शन आपको मतलब मोटा वो तो हैवी मतलब आ जाता है 12 mm मतलब जो ये आपका बेस प्लेट होता है ना क्या, जो बेस प्लेट जो भी आपको मिलता है 12 mm से मतलब ज्यादा प्लेट के ऊपर अगर वेल्डिंग करना होता है, मोटा ज्यादा मोटा वाला प्लेट के ऊपर वेल्डिंग करना होता है तो ये हम स्ट्रेट पोलैरिटी में पोलैरिटी लेंगे। अच्छा, तो भी क्या होगा कि ये जो है मोटा प्लेट में जब वेल्डिंग करते हैं कि बेस मेटल में, एक आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अच्छा, ये जो है हमारा जो बेस मेटल है वो मतलब क्या है 70% हीट ले रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रोड क्या ले रहा है 30% ले रहा है। हाँ, जो भी ये हिस्सा ज्यादा हीट होगा तो क्या होगा ना, अच्छा फ्यूजन होगा। मतलब फ्यूजन क्या है, फ्यूजन मतलब क्या है, जो प्लेट है वो अच्छा सा पिघलेगा, मतलब मेल्टिंग करेगा, मेल्टिंग करेगा, मतलब हाई अमाउंट का हीट रहेगा तभी जाके अच्छे से मेल्टिंग करेगा, मेल्टिंग होगा। मतलब बेस मेटल जो अच्छा जब मेल्टिंग होता है तो होल्डिंग हमारा अच्छा होगा। अच्छा, मैं यहाँ एक सिंबल दे रहा हूँ आपको। अच्छा, मतलब ये प्लेट का सिंबल रहता है, ऊपर जब आप होल्डिंग कर रहे हैं जब अच्छा सा वो मेल्ट कर रहा है तो उसके पिछले यहाँ देखो एक होल्डिंग आ जाएगा प्रोजेक्शन से तरफ से, उसको बोला जाता है पेनेट्रेशन, पेनेट्रेशन उसको पेनेट्रेशन बोला जाता है। मतलब यो उसको भेद कर लेता है और ज्यादा होल्डिंग जो है ज्यादा डीप आ जाता है, पर नीचे आ जाता है। अच्छा अच्छा, मतलब ये आपका प्लेट हो गया, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये प्लेट हो गया, ऊपर जो है वेल्डिंग है, ऊपर वेल्डिंग है, मतलब वेल्डिंग किया गया है इसके ऊपर में, तो ये नीचे क्या है, नीचे है मतलब ये अंदर तक आ रहा है, ये वेल्डिंग इसको क्रश करके नीचे तक आ रहा है। अच्छा, मतलब बहुत ज्यादा हेवी अमाउंट का वेल्डिंग आपका यहाँ पे हो रहा है, हेवी वेल्डिंग आपका हो रहा है जहाँ पे स्ट्रेंथ वेल्डिंग का बहुत ज्यादा रहता है, मतलब ज्यादा भेद करके आता है। मैं जैसे बोल रहा हूँ, जैसे देखो आप ले हो मिट्टी में जो पानी आप फेंक देते हो वो नीचे तक आ जाता है। हाँ, बिल्कुल आप समझ में आ गया। हाँ सर, वैसी मतलब बहुत हाई क्वालिटी का यहाँ पे वेल्डिंग हो रहा है और ये आपका स्ट्रेट पोलैरिटी में होता है। बस थिकर सेक्शन मेटल मतलब 12 से 15 ऐसा जब आ जाता है मोटा मेटल आपको आ जाता है, ये तो आपको क्या होता है कि आपको बेस मेटल को क्या करना चाहिए ना, पॉजिटिव टर्मिनल में और इलेक्ट्रोड को आपको नेगेटिव टर्मिनल में लगाना चाहिए, तभी होल्डिंग अच्छा होगा। और एक मैं यहाँ बोल देता हूँ, ये जो है आपको ज्यादातर कहाँ इस्तेमाल करना होता है ना, फ्लैट पोजीशन। ये क्या होता है सर, हमारा होल्डिंग का जो पोजीशन है वो बहुत सी पोजीशन होता है, लेकिन जो फ्लैट पोजीशन होता है उसको क्या बोलता है, डाउन हैंड उसको बोला जाता है डाउन हैंड। मतलब इलेक्ट्रोड नीचे की तरफ है। अच्छा, इलेक्ट्रोड का जो ये है टिप है उसको हमारा होल्डिंग थ्योरी से बोला जाता है, टिप बोलते हैं होल्डिंग, मतलब इलेक्ट्रॉन का पहला वाला हिस्सा, इलेक्ट्रोड टिप। अच्छा अच्छा, मतलब जिस पॉइंट में कनेक्ट होता है। मैं और आपको समझा देता हूँ, इलेक्ट्रोड समझिए, ये जो इलेक्ट्रोड है ये टीप है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये है उसका स्टॉप एंड, मतलब जो कनेक्ट होता है स्टॉप एंड यहां से शुरू होता है। ये टीप जो है देखो डाउन हैंड, स्टॉप एंड होता है ये, मतलब डाउन है। अच्छा, ये डाउन हो रहता है इसको उसको डाउन हैंड बोला जाता है। जब ये कभी ऊपर हो जाता है मतलब ये तरफ हो जाए वो हो जाता है ओवर हेड, मतलब इसको उल्टा करके जब होल्डिंग करते हैं उसको बोलते हैं ओवर हेड, ये ओवर हेड हो जाता है। अच्छा, अभी जो आपने ये मैं बताया डाउन हैंड जो है ये अभी किस पोजीशन में है,
ये है, देखो टिप आपका यहाँ आ रहा है ना, नीचे की तरफ नीचे का आ रहा है, तो मतलब ये फ्लैट, मतलब फ्लैट पोजिशन यानी डाउन हैंड के पोजिशन से ये होता है। मतलब जब भी आपको थिकर मेटल मिलता है वेल्डिंग करने के लिए, आप स्ट्रेट पोलैरिटी चूज करेंगे करेंगे, और कहाँ कैसे पोजिशन में होल्डिंग ज्यादा करेंगे ना, डाउन हैंड पोजिशन में होल्डिंग करेंगे। स्ट्रेट पोलैरिटी यानी डाउन हैंड की पोजिशन में यूज होता है, यूज होता है, ठीक है, तभी अच्छा पेनेट्रेशन और फ्यूजन होगा। उसके बारे में बोल रहा हूँ गया, उसको डी सी ई पी मतलब डायरेक्ट करंट, पिछले में जो बताए थे डी सी ई एन के बारे में बताए थे, अगले जो अभी बताया डी सी ई एन के बारे में बताया, अभी डी सी ई पी के बारे में बोल रहा हूँ, मतलब इलेक्ट्रोड पॉजिटिव हिस्सा से लगेगा। अच्छा अच्छा, और इलेक्ट्रोड कितना हिट जाएगा, 70% हिट जाएगा, समझ में आ रहा है आपको। अच्छा, तो इलेक्ट्रोड में जब 70% हिट आ रहा है तो वो ज्यादातर मेल्ट होगा। हाँ, इलेक्ट्रोड यहाँ पे ज्यादा मेल्ट होगा, और यहाँ पे बेस मेटल कम मेल्ट होता है। बेस मेटल में क्या है, 30%, वो तो ज्यादा हिट उसमें नहीं जाएगा, ठीक है, ज्यादा हिस्सा वो नहीं जाएगा। ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है उसके बारे में भी बोलते हैं। देखो एक मेटल है आपका नॉन फेरस मेटल, नॉन फेरस जो मेटल है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादातर कम रहता है। मैं अभी यहाँ जो देखा है, नॉन फेरस मेटल मतलब क्या होता है, जिसमें आयरन का भाग, कोई आयरन का हिस्सा जो बहुत कम रहता है, उसको नॉन फेरस मेटल कहते हैं। इसका ये आयरन का जो लैटिन नाम है वो होता है आपका फेरम, तो उसी हिसाब से आयरन अगर कम रहता है तो नॉन फेरस, आयरन अगर ज्यादा रहता है तो फेरस कहा जाता है। नहीं नहीं, नहीं रहता है उसको, नॉन फेरस मतलब नहीं रहता। एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, यहाँ के एल्यूमिनियम होता है और जिस कॉपर होता है, ये सब में तो आयरन नहीं रहता है सर, ये नहीं रहता है, तो ये नॉन फेरस मेटल नॉन फेरस। और उसका क्या होता है, उसका मल्टिंग टेम्परेचर मैं देखता हूँ 950 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, ठीक है सर, ऐसे ही होता है, मतलब बहुत कम रहता है, बहुत कम रहता है। तभी क्या होता है, ये जो हिस्सा है जो बेस मेटल का हम ज्यादा हीट देंगे तो वो क्या होता है, वेल्डिंग करते करते ये बहुत पिघल जाता है। हाँ हाँ, तो मतलब यहाँ पे बेस मेटल जो है वो वेस्ट हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, इसलिए हम इलेक्ट्रोड को ज्यादा करंट देते हैं, इलेक्ट्रोड ज्यादा अमाउंट का हीट जो है वो आपका इलेक्ट्रोड ले रहा है। बस ये अभी बेस मेटल माइनस में लग जाएगा और जो इलेक्ट्रोड है वो आपका में लग जाएगा, तो भी वो मेटल क्या होगा कि ज्यादा हीट ना होके ज्यादा पिघलेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा हीट हो रहा है आपका, यहाँ पे इलेक्ट्रोड ज्यादा है, इलेक्ट्रोड को ज्यादा हीट दिया जा रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। आगे मैं करता हूँ, बच्चों को भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आया। कुछ अगर प्रॉब्लम रहता है तो आप लोग हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम हर किसी के कमेंट पढ़ते हैं और जितना हो सके जवाब देने को कोशिश करते हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, नॉन फेरस मेटल के बारे में बोले कि नॉन फेरस मेटल में ये यूज होता है। और एक दूसरा है कास्ट आयरन, कास्ट आयरन, कास्ट आयरन के बारे में आपको दूसरा कास्ट में बताऊंगा। बहुत ये है कास्ट आयरन में आपको जो है होल्डिंग करने में बहुत दिक्कत आता है, क्योंकि उसका जो ग्रेन स्ट्रक्चर वो अच्छा नहीं होता है, वो ज्यादातर हीट देने से, मतलब ज्यादा हीट हो जाएगा तो किस क्या होता है, जो कास्ट आयरन होता है उसमें क्रैक आ जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब वो फट जाता है, पिघलता तो नहीं, थोड़ा क्रैक उसमें आ जाता है, मतलब आप होल्डिंग करके जब उसको छोड़ देते हैं। अच्छा, जब भी तो ज्यादा क्रैक आ जाता है, क्रैक एक कास्ट आयरन में अब क्रैक आ जाता है। अच्छा, तो भी क्या होता है, जब हम इसको ऐसी पोलैरिटी सिस्टम से यूज करेंगे वो ज्यादातर जो क्रैक है वो मिनिमाइज हो जाता है। अच्छा, एक कास्ट आयरन के बारे में बोला, उसके बाद बोल रहा हूँ कि शीट मेटल। अच्छा, शीट मेटल मतलब क्या है ना, जो प्लेट का मोटाई बहुत कम रहता है, 1.5-2 mm इतना ही जो आ जाता है। अच्छा, वो जो ये प्लेट का थिकनेस जो आता है। हाँ, देखो यहाँ भी वही बात, पतले पतले प्लेट होते हैं शीट मेटल। अच्छा, पतले पतला हाँ, जो है ना उसमें हाँ, भी देखो कम हीट ले रहा है शीट मेटल जो होल्डिंग कर, वो भी मतलब ज्यादा हीट करेंगे तो ये भी पिघल जाएगा और उसमें छेद भी आ जाएंगे, छेद भी आ जाएगा तो होल्डिंग करने में दिक्कत आएगा, तो इसमें होल आ जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे इसको जो है ये प्लेट को हम 30% हीट देंगे ना, क्या 30% हीट देंगे और इलेक्ट्रोड में ज्यादा जो हीट रहेगा वो आपका इलेक्ट्रोड में रहता है। तो ये है आपका बेसिक डीसीईपी। सर फुल फॉर्म बताएंगे, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। ओहो, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रोड जो है आपका यहाँ पे पॉजिटिव लगता है। अच्छा सर, ठीक, बेस मेटल हर टाइम वही माइनस में रहेगा।
अच्छा अच्छा कास्ट हर ये वाले सिस्टम में, इसके पिछले जो बताए वहाँ पे इलेक्ट्रोड हर टाइम माइनस में रहेगा, माइनस में रहेगा ठीक है सारा, जो बेस मेटल हर टाइम प्लस में रहेगा मतलब, या फिर पॉजिटिव पोलरिटी में लगेगा, पॉजिटिव ठीक है सर। और एक बोल रहा हूँ, ये आप ये बुक बोला था बेयर वायर लाइट मीडियम पोटेंट जो इलेक्ट्रोड जो है उसमें हम स्ट्रेट प्लाट में होल्डिंग करेंगे, लेकिन यहाँ जो है रिवर्स प्लाट में वो हैवी सुपर हैवी जो मिलता है जो हैवी और सुपर हैवी कोटेड जो इलेक्ट्रोड आपको मिलता है कभी कहाँ, मतलब बहुत ज्यादा हैवी इलेक्ट्रोड मिलता है, मतलब हैवी इलेक्ट्रोड मतलब मोटा वाला इलेक्ट्रोड, मतलब जो उसका कोटिंग फैक्टर जो है वो ज्यादा मोटा हो जाता है, मतलब उसको पिघलने में वो टाइम लगता है, वो हीट लगता है। अच्छा, तो हैवी और सुपर हैवी कोटेड जो इलेक्ट्रोड आपको आ जाता है कभी कभी मिल जाता है, इसलिए मतलब ज्यादा हीट लेता है, इसलिए हम इसको 70% हीट दे रहे हैं इलेक्ट्रोड। तो अभी जितना हैवी और सुपर हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड आपको मिल रहा है तो आपको आंख मूंछ के क्या करना है, तो उसको रिवर्स प्लाट में लगा लेते तो अच्छा सा होल्डिंग होगा। ठीक है, मैं और एक बात बोल रहा हूँ, यहाँ जो है जो पोजिशनल होल्डिंग मतलब क्या है, मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, मतलब पोजिशनल जितना है मैं पहले से आपको बोल दिया हूँ, फ्लैट के बारे में बोल चुका है, फ्लैट को छोड़ के एच हॉरिजॉन्टल पोजिशन, ओवरहेड पोजिशन होता है, वर्टिकल पोजीशन होता है, मैं आपको यहां लिखा रहता हूँ, हॉरिजॉन्टल पोजीशन ओवरहेड, ओवरहेड पोजीशन ये होता है वर्टिकल, ठीक है सर ओके। ये सब पोजीशन होता है, मैं फ्लैट के बारे में बोल चुका हूँ आपको, फ्लैट मतलब इलेक्ट्रोड जो है नीचे की तरफ रहेगा, हॉरिजॉन्टल पहले वाला सिस्टम में ये लगता है, फ्लैट फ्लैट पोजीशन में पहले वाले होल्डिंग होते हैं, ज्यादातर स्ट्रेट पोलाइट में फ्लैट पोजीशन में होल्डिंग होता है, बहुत अच्छा होता है, पेनेट्रेशन आ जाता है। अच्छा, लेकिन हेवी और सुपर हेवी कोटेड इलेक्ट्रोड जो होल्डिंग हो रहा है आप लोग रिवर्स पोलाइटी में, उसके बाद जो पोजिशनल होल्डिंग आपको आता है कहीं भी, तो पोजिशनल होल्डिंग में सक्सेसफुल होल्डिंग करने के लिए आपको क्या होता है ना, आपको यही रिवर्स पोलाइटी चूज करना चाहिए। देखो हॉरिजॉन्टल पोजिशन में आपको होल्डिंग ऐसे ही होगा, प्लेट ऐसे रहेगा, अच्छा, और इलेक्ट्रोड ऐसे लेकर आपको होल्डिंग होगा। मैं जो क्लास में आएगा और भी मैं पोजिशनल के बारे में बता रहा हूँ, तो बच्चों को थोड़ी सी जानकारी भी इसमें आ जाए इतना कम टाइम में। और ओवरहेड पोजिशन मतलब ये प्लेट इधर रहेगा और इलेक्ट्रोड आपको अच्छे से ऊपर तक करना है, और वर्टिकल पोजिशन में क्या होगा ना, आपका बेस मेटल ऐसा रहेगा और बच्चे जो होल्डर है वो ऐसा होल्डिंग करके जाएगा, मतलब इलेक्ट्रोड आपका एकदम वर्टिकल रहेगा, इलेक्ट्रोड मतलब यहाँ से प्लेट सरफेस से आपको 90 डिग्री रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आपको होल्डिंग करना है कैसा, ऐसे नीचे से, हाँ नीचे से जाके ऊपर तक जाना है और नीचे से भी ऊपर से भी नीचे तक आना है। सर इसके बाद आप प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे, ये सब क्लास मतलब बच्चे को करके दिखाऊंगा, सबको जानकारी आ जाए, क्योंकि लॉकडाउन तो चल रहा है, इतना होता है यहाँ सब समझा देते हैं। तो ये आया जो पोजिशनल होल्डिंग जितना आता है, पोजिशनल होल्डिंग में जब आप होल्डिंग करना चाहते हो तो ये वाले रिवर्स प्लाट में लगा लीजिए, तो बहुत आपको आसान हो जाएगा मेटल डिपोजिट करने के लिए। ये हो गया आपका यूजेस ऑफ पोलैरिटी। अभी देखो हमको पोलैरिटी के बारे में तो जानकारी आ गया, कभी कभार होता है जो अभी जो मशीन आ रहा है मेटकर को उसमें पोलैरिटी स्विच होता है, पोलैरिटी स्विच को आपको इस्तेमाल कर लीजिए जहां जो मतलब केबल लगा रहता है। मैं आपको एक फिगर बना रहा हूं, फिगर में आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, मतलब क्या है ये आपको मशीन मिला है, मशीन वो क्या है, वही डीसी है, उसमें क्या होता है आपको टर्मिनल रहता है, हाँ टर्मिनल में क्या होता है आपको केबल लगा रहता है, हाँ ये केबल लगा रहता है, आपको इसमें क्या करना है तरफ अल्टरनेट चेंज नहीं करना होता, उसमें एक स्विच रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ है सर, मशीन में एक स्विच रहता है, मशीन एक स्विच रहता है। अच्छा, स्विच आपको क्या करना है, जब आप चाहते हो जहां जो जैसे भी चाहते हैं, मतलब स्ट्रेट पोलैरिटी चाह रहे हैं तो आप स्ट्रेट को ले में सिलेक्ट करना होता है, स्ट्रेट को ले जाइए, और जब आप रिवर्स चाहते हो तो रिवर्स में जा सकते हैं, लीवर रिवर्स में भी आ सकते हैं। अच्छा, लेकिन वो जो मॉडर्न मशीन है वैसा हो देता है, लेकिन मॉडर्न मशीन है जो मॉडर्न मशीन अभी अभी जो निकल रहा है मार्केट में, जो नए वाले मशीन आ रहे हैं उसमें यहाँ पे डीसी वेल्डिंग मशीन में यहाँ पे एक स्विच दिया हुआ रहता है बस, ताकि जो ऑपरेटर है वो चाहे तो स्ट्रेट में कर सकता है चाहे तो रिवर्स में भी कर सकता है।
उसको केबल चेंज करना। लेकिन सर जब मतलब जो पुराने मॉडल्स हैं मार्केट में, जो जितने पुराने मॉडल्स आपका अवेलेबल हैं, उसमें ये वाला स्विच नहीं रहता? नहीं, वो नहीं रहता है। तब क्या? उसमें अगर रिवर्स, ये आपका स्ट्रेट और रिवर्स पोलैरिटी में करना होता है तो क्या करते हैं? वही, उसी के बारे में बोल रहा हूँ। अच्छा, उसको क्या बोलते हैं कि डिटरमिनेशन ऑफ पोलैरिटी, ये हमें बोलता बोल रहा हूँ। डिटरमिनेशन ऑफ पोलैरिटी मतलब क्या है? यहाँ तो आपको पहचान आ जाता है। अच्छा। यहाँ आपको पहचान नहीं आए। अच्छा। आप कैसे इस्तेमाल करेंगे? अंधाधुंध तो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हाँ। जब सक्सेसफुल होल्डिंग के लिए चाह रहे हो तो उसको आप क्या है, एक दो टेस्ट रहता है। दो टेस्ट टेस्ट करने से उसको पता चल जाता है कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। अच्छा। एक टेस्ट इसका होता है कार्बन इलेक्ट्रोड। कार्बन इलेक्ट्रोड ये क्या है सर? वो जो है ग्रेफाइट जो होता है। जब नहीं नहीं कार्बन इलेक्ट्रोड जो अभी आप बोल रहे हैं ये क्या टेस्ट होता है क्या? उसी के जरिए हम टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा पॉजिटिव। टेस्ट का नाम क्या है? वो कार्बन इलेक्ट्रोड टेस्ट यही होता है उसका नाम, उसका टेस्ट होता है। अच्छा, उसको कार्बन इलेक्ट्रोड टेस्ट बोला जाता है। और ये टेस्ट किस लिए करते हैं कि इन दोनों में से कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव पोलैरिटी है, ये जानने के लिए। और एक होता है इलेक्ट्रोलाइट वाटर। इलेक्ट्रोलाइट वाटर टेस्ट। देखो कभी भी जहां भी जाओ, कोई क्वेश्चन आपको पूछ रहा है आप कैसे टेस्ट करें, कैसे जानेंगे, पूरा कंफर्म होकर जाइए तो आपको कुछ हड़बड़ नहीं। एग्जाम में भी आता है क्या ये दोनों? हाँ, सवाल दोनों पोलैरिटी को टेस्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है वेल्डिंग मशीन में? तो यहाँ पे कार्बन इलेक्ट्रोड टेस्ट हो गया, इलेक्ट्रोलाइट वाटर टेस्ट। देखो कार्बन इलेक्ट्रोड में क्या होता है, सिंपल सी बात है, बेस मेटल लगा रहता है। हाँ। आप इलेक्ट्रोड को कहीं भी लगा दीजिए मशीन में, ठीक है, और आप करंट चालू कीजिए। हाँ। जब आर्क क्रिएट हो जाएगा, यहाँ जब आर्क हो जाता है, आर्क मतलब अतरूप, जो आग आ जाता है तो स्पार्क हो जाता। अच्छा, है। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर स्पार्क होता हाँ। है तो स्पार्क होगा, स्पार्क जरूर होगा। अच्छा, जब स्पार्क ज्यादा होता है। अच्छा, ज्यादा हो गया ब्लूम। हाँ, जल्दी ब्लूम ब्लॉन्ट करता है। ब्लॉन्ट मतलब जल्दी, ये मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन जल्दी से खत्म हो जाता है। ब्लूम सून, इलेक्ट्रॉन ज्यादा यहाँ पे यूज होता है तो जल्दी खत्म हो जाता है। ब्लूम सून मतलब क्या है, जल्दी जब खत्म हो जाता है ये इलेक्ट्रॉन, अब खत्म हो रहा है तभी आपको पता चल जाएगा कि ये पॉजिटिव में लगा है। जब ये जल्दी मतलब टाइम के हिसाब से ये जल्दी नहीं जल रहा है कि जल्दी नहीं हो रहा है तो ये आपका नेगेटिव में लगा हुआ है। ठीक है। और ये बहुत अच्छी बात है। मतलब अगर यहाँ पे कार्बन इलेक्ट्रोड हमारा जल्दी खत्म होता है तो इसका मतलब इलेक्ट्रोड जो है वो पॉजिटिव में लगा है। तो इन दोनों में से किसी में भी इलेक्ट्रोड लगा होगा तो जिसमें इलेक्ट्रोड लगा होगा वो होगा आपका पॉजिटिव पोलैरिटी। मतलब देखो आप जब देखते दोनों के हिस्से में आप टेस्ट करेंगे। हाँ। जो जिन हिस्सा में जल्दी आपको देखो आपको कार्बन ब्लॉट हो रहा है कि खत्म हो रहा है। हाँ। उसको पता चल जाएगा ये इस हिसाब से जब आप टेस्टिंग कर लिया होगा। हाँ। कि ये जल्दी जा रहा है तो ये पॉजिटिव है, ये जल्दी जा रहा है तो ये पॉजिटिव, उसको मार करके आप छोड़ दिए। ठीक है, आप ये कर। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट वाटर टेस्ट होता है, ये क्या इलेक्ट्रोलाइट वाटर में क्या होता है, ये जो दो हिस्से है आपको यहाँ डालना होगा, हमको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्मिनल यहाँ पानी में इलेक्ट्रोलाइट वाटर में हम डालेंगे। हाँ। डालने से क्या होगा, हमको पता है यहाँ क्या होता है, जो वो H2O को मतलब पानी है इसको जो क्या होता है, इसको जो ये को तोड़ देता है, वो तो गठबंधन को वो तोड़ देता है। तोड़ने से क्या होगा, इसको जो करंट फ्लो होता है इसमें एक्चुअली क्या रहता है, ये एक बीकर है क्या? नहीं, ये कोई हिस्सा है, वही बीकर के जैसा हो रहता है। अच्छा, तो इसके अंदर क्या है? पानी है, इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर में बोल दिया हूँ, इलेक्ट्रोलाइट वाटर। हाँ। मतलब यहाँ पानी है। पानी है। और ये क्या है? ये जो है मशीन से आया हुआ केबल है। अच्छा अच्छा, ये पोलैरिटी दोनों यहाँ पे है। हाँ, मशीन से आया हुआ। हाँ। जब भी, और ये इसमें मशीन भी ऑन किया जाएगा, मशीन ऑन किया जाएगा तो यहाँ पे पानी जो है उसका केमिकल फॉर्मूला है आपका H2O। वो क्या होगा, वो जो उसका जो गठबंधन है ये तो वो तोड़ जाएगा, टूटेगा, मतलब हाइड्रोजन में आएगा और फिर आपका ऑक्सीजन में आएगा। हाँ, बस O2 जो है, O2 क्या है, वो पिघलते हुए बबल्स बन के बबल्स बन जाएगा, तो बबल बन के क्या होता है ना, ऊपर आएगा। हाँ, ऊपर आ जाएगा।
अरे गैस ही है तो आपको ऊपर भी आएगा, क्या हुआ? तो ये बुबुल्स निकलेगा। अभी देखो जहां पॉजिटिव और नेगेटिव के सबको जानकारी आ जाएगा। देखो जब भी जो नेगेटिव होता है वहां ज्यादा बुबुल्स निकलेगा, अच्छा, और जो पॉजिटिव होता है वो कम बुबुल्स निकलेगा। अच्छा 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 उसमें आपको पता चल जाता है कि कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा पॉजिटिव है। तो ज्यादा बबल्स होते हैं तो वो नेगेटिव नेगेटिव है, और कम बबल्स निकलते हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव। अभी आपको मैं बोल रहा हूँ, जब ये आपको पता चल गया पोलारिटी सिस्टम और कैसे कहाँ यूज करेंगे और कैसे टेस्ट करेंगे उसके में पता चल गया। हाँ? अभी मैं एक इम्पोर्टेंट हिस्सा आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब आप ना जान के कभी भूल से कभी आप पोलारिटी सिस्टम को भूल ले लिए हो तो क्या क्या प्रॉब्लम होता है, उसको बोलते हैं इंडिकेशन ऑफ रॉन्ग पोलारिटी। तो मतलब पोलारिटी अगर गलत ले लिए तो कैसे पता चलेगा कि हम गलत लिए? यह बहुत अच्छी बात है, जल्दी से बोल रहा हूँ आपको इंडिकेशन ऑफ रॉन्ग पोलारिटी। कैसे आपको जानकारी आ जाएगा कि ये रॉन्ग पोलारिटी मैंने नहीं लिया? अच्छा, ये होता है, पहले आता है अबनॉर्मल साउंड, जो हम लोग जो होल्डिंग करते हैं उसको होल्डिंग में एक अच्छा सा साउंड आता है, वो क्रैकिंग साउंड, जो होल्डर है अच्छा है पकेल क्या है उसको पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। एक क्रैकिंग साउंड आता है। अच्छा, जब क्रैकिंग साउंड नया नहीं आके वो जब अबनॉर्मल आते हैं, मतलब नॉर्मल नहीं होता है, हम लोग को पता है साउंड अलग टाइप का होता है। हाँ, जब साउंड ये सर एक वेल्डिंग जो करता है उसको पता चल जाएगा, एक दो बार जिसने वेल्डिंग किया है उसको पता चल जाएगा। पीटर और ओल्डर जो बच्चे हैं उसको बहुत से अच्छा से पता है कि कौन सा साउंड उनको सही आ रहा है, वो साउंड से भी मालूम कर लेते हैं। साउंड से मालूम कर लेते हैं कि कैसा होता है। जब अबनॉर्मल साउंड आ रहा है, मतलब नॉर्मल नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आपका रॉन्ग पोलारिटी में लगा, रॉन्ग पोलारिटी लगा हुआ। एक पोलारिटी चेंज कर देने के बाद ये जो अबनॉर्मल साउंड है वो सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है? मोर स्पार्टर। मोर स्पार्टर मतलब बोल रहा हूँ, मोर स्पार्टर क्या होता है? स्पार्टर का मतलब ये बोल रहा हूँ कि जब ये बेस मॉडल होता है, ये जो ओल्डिंग कर रहे होते हैं, ये जो ओल्डिंग तो होगा लेकिन उसमें छोटा छोटा पार्टिकल्स यहाँ गिरा होता है। अच्छा 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 अच्छा, हाँ सर समझ में आया, समझ में आया। ये क्या होता मतलब छोटा छोटा जो मेल्टिंग हो गए मेटल, वहाँ पे एकदम डस्ट के टाइप के जैसे कुछ गिरते हैं, जो वेस्टेज होते हैं वो अगर ज्यादा आते हैं तो ये रंग पोलारिटी में लगा। अच्छा, और क्या होता है, ये जो हिस्सा होता है, ये जो हिस्सा ओल्डिंग के जो चारों हिस्सा है वो क्या है ना, ब्राउनिश कलर। ब्राउनिश कलर भी आता है तो रंग पोलारिटी होगा, ये ब्राउनिश कलर आ जाएगा। अच्छा, और ब्राउनिश, अच्छा अच्छा ब्राउनिश कलर आ जाएगा जब ये जो हिस्सा होता है वो ब्राउनिश कलर आ जाएगा। अच्छा। और क्या बोल रहा हूँ, ये जो प्लेट में पहले बोल चुका हूँ, ये जो पेनेट्रेशन अच्छा नहीं आएगा। अच्छा, ये जो अच्छा, होल्डिंग कर लिए ये पेनेट्रेशन सही नहीं होगा। अच्छा, जब रॉन्ग पोलारिटी कर लेते हैं। और क्या होता है ना, मैनिपुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड, आप इलेक्ट्रोड ठीक से चला नहीं पा रहे हैं। मतलब जब आप फिलेट होल्डिंग कर रहे होते तो जो इलेक्ट्रोड आप लेके होल्डिंग कर रहे हैं तो ठीक से आप नहीं लगा पाएंगे, ठीक से नहीं चला पाएंगे। अच्छा अच्छा, तो हमको पता चल जाएगा कि डिफिकल्ट ये रॉन्ग पोलारिटी में लगा। और क्या होता है, और एक बोल रहे हम, जो इलेक्ट्रोड जो है, मैं पूरा ये आपको पूरा इम्पोर्टेंट बात बोल रहा हूँ, जो इलेक्ट्रोड ये रहता है, आपको इलेक्ट्रोड रहता है। देखो एक आइसक्रीम आप ले खा रहे हो वो क्या होता है, आपको ठीक से पिघल के आपको मुंह में जाना चाहिए। जब ज्यादातर पिघल के मुंह में आ जाता है आप नहीं खा सकते, भूगल देना होता है। वैसे ही बात, यदि इलेक्ट्रोड आपका पोलारिटी में सही लगा रहता है वो आपको टाइम के हिसाब से वो अच्छा सा मेल्टिंग होके खत्म होता है। अभी जब भी उसको आप रॉन्ग पोलारिटी में ले लिए होंगे वो क्या होता है, जैसे मैं आइसक्रीम का एग्जाम दे दिया आपको, वो अपने आप कभी जो जल्दी और कभी कम होके मेल्टिंग होता है। इतना ही, ठीक है गाइस। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि हमारे बनाए हुए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। एनीवे, उम्मीद है आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। सो प्लीज स्टे ब्लेस्ड, सब कुछ अच्छे में रहे, और आखिरी में जय हिंद जय भारत।